आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्कॉलरशिप है उसे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप, मैं इसे डेस्कटॉप सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन को दबा दीजिए जो यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे जो है उससे सारा प्रोसीजर है इसे आप पढ़ लीजिएगा। मतलब कि कैसे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट टाइम, फ्रेश स्टूडेंट्स नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल एज फ्रेश एप्लीकेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन एज प्रिंटेड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स इन द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में लॉग इन करना होगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे जाइए, यहाँ पे जो तीन चेकबॉक्स है इस तीनों को इसे टिक कर दीजिएगा, अब मैं कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट, यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा जो भी है, दिल्ली कर देता हूँ। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसके ऊपर अगर आप फर्स्ट टू टेंथ है तो प्री मैट्रिक्स कर दीजिएगा, अगर उससे ऊपर इलेवंथ ट्वेल्थ या फिर आगे डिग्री करने वाले हैं तो पोस्ट मैट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम, अपना नेम टाइप कर दीजिएगा। फिर स्कीम टाइप, यहाँ पे स्कॉलरशिप दबा दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पे सब बैंक आईएफएससी कोड और बैंक नेम है, अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार नंबर डाल दीजिएगा अपना, और फिर ये कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको, आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हो उसके ऊपर आपका आईडी, आपका एप्लीकेशन आईडी और फिर पासवर्ड आपको सेंड कर दीजिएगा, कर दिया जाएगा, और फिर आपका पासवर्ड ज़्यादातर आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे दबा दीजिएगा जो कि यहाँ पे है। उसके बाद आपको ऐसा एप्लीकेशन आईडी और ये आने के बाद यहाँ पे इस आईडी पे आके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल के एक कैप्चा डाल के लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन होते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, चेक योर स्टेटस और फिर प्रिंट योर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्रिंट करने का लास्ट में आएगा। यहाँ पे आपको ये आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसा टैब ओपन होगा, यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमेन, स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे पहले से रहता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, यस या नो, ये देना पड़ेगा। उसके बाद में रिलीजन, कम्युनिटी और कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, एनुअल फैमिली इनकम, और फिर या डे स्कॉलर है, हॉस्टलर है, ये देना पड़ेगा। इसके बाद में एकेडमिक डिटेल में आपका अभी जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूट या फिर जिस कॉलेज में आप कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स, उसके बाद में कौन से ईयर में पढ़ रहे हो वो दे दीजिएगा।
उसके बाद में मोड ऑफ स्टडी, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, जो कि आप पिछली मतलब जो भी के हो बोर्ड है यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम दिए हो वो लिख दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये सब यहाँ पे, अगर आप अभी पीयूसी में पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये सब नहीं आएगा, ट्वेल्थ सब सिर्फ टेंथ तक आएगा। और फिर ये आपको फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल में नीचे देखिए यहाँ पे मतलब ऊपर का सब भर दीजिएगा, ये एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फी। उसके बाद में बेसिक डिटेल में ऑर्फन हो या सन हो ये दे दीजिएगा, गार्जियन नेम दे दीजिएगा। उसके बाद इज मतलब डिसेबल्ड है क्या वो दे दीजिएगा, अगर हाँ तो फिर यहाँ पे डिटेल आपको सब भर देना पड़ेगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे दबा दीजिएगा, मतलब ये सब फॉर्म आप भर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आएगा, देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पे ऐसा टैब ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका, आपका एड्रेस ये सब डालने के बाद पिन कोड, यहाँ पे स्कीम डिटेल्स, यहाँ पे मेरे लिए फॉर योर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन देर इज़ नो स्कीम अवेलेबल। अभी मैं एससी कैटेगरी के अंदर या फिर किसी के भी अंदर मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कोई भी स्कीम अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब थोड़े दिन में आ जाएगा। अगर आप मुस्लिम हो, जनरल ओबीसी में अंदर हो तो फिर आपको यहाँ पे माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है वो स्कीम यहाँ पे दिखाई देगा। उसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब नीचे जो आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर सब लिस्ट आ जाएगा आपका सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। वो आप यहाँ पे ऐसा एक एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे और फिर एक एक कॉपी सभी अपने स्कूल में जमा करके आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे चेक योर स्टेटस, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, बाद में आप प्रिंट योर एप्लीकेशन के दबा के आप एप्लीकेशन प्रिंट ले लो। उसके बाद में ये नीचे और आपके सिक्योरिटी के लिए है चेंज पासवर्ड और सब, बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत।